हेलो एवरीवन। तो अगेन आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए, खास करके उन लोगों को जो मार्केट में नए हैं और बिगिनर्स हैं वो लोग, और जस्ट अभी उन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया है और शुरुआत की है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, खास करके तब जब हम मार्केट में नए हो और शुरुआत कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे पहली चीज़ है मार्केट में सबसे पहले निवेश करने से पहले कि भैया पहले आपका लॉन्ग टर्म का गोल आप सेट करें, ठीक है, कि आपको कितने कोई भी स्टॉक अगर आप खरीद रहे हैं तो लॉन्ग टर्म का गोल आप सेट करें, अच्छे और बड़े स्टॉक खरीदें, रिस्क जो है जितना हो सके उतना आप कम रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव यहाँ पर लेकर चलिए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और हमेशा जब भी आप कोई भी शेयर खरीदें तो बड़े लॉसेस से बचने के लिए स्टॉप लॉस हमेशा लेकर चलिए, हमेशा स्टॉप लॉस लेकर चलिए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट है कि देखिए आप मार्केट में नए हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड से दूर ही रहे। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स में देखिए आपको हमेशा लगेगा कि भैया बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा पैसा बनाने का मौका मिल रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो काफ़ी लोग प्रिफर करते हैं। तो देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस गलत चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन जो नए हैं मार्केट में उनके लिए वो एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो जाता है। कि तो उनको मैं कहूंगा कि जो लोग नए हैं पहले मार्केट को समझ लीजिए कि किस तरीके से चीजें ट्रेड होती है, किस तरीके से खरीदारी करनी चाहिए उसको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाइए तो बेहतर रहेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है जब भी आप किसी भी कंपनी के बारे में शेयर खरीदें, कोई भी कंपनी का अगर आप शेयर खरीदें तो उसकी पूरी की पूरी रिसर्च कीजिए। कोई भी शेयर्स है उसकी हमेशा रिसर्च कीजिए, आप उसके साथ अपडेटेड रहिए, उसके नतीजे जो आ रहे हैं उससे आप अपडेटेड रहिए, उसका जो पी रेशियो है वो कितना है उससे अपडेट रहिए, इंडस्ट्री पी कितना है उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, कितना परसेंटेज का वो डिविडेंड दे रहा है उसके बारे में जानिए, पिछले काफ़ी सालों से, पिछले 4 क्वार्टर से या फिर उससे पहले से भी, 5 साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले कितना रिटर्न उसने दिया है वो भी एक बार जानिए। और तो और हमेशा कोई भी कंपनी हो जिसके बारे में आप खरीदारी करने जा रहे हो तो उसकी बैलेंस शीट को आप देखिए कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है, कंपनी का प्रॉफिट उतना हो रहा है कि आपको पैसा मिल सके, कंपनी डिविडेंड अच्छा खासा पे कर रही है कि नहीं। तो कुछ टेक्निकल एनालिसिस होती है, फंडामेंटल एनालिसिस होती है, उसके बारे में भी हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए। क्योंकि तो देखिए काफ़ी सारी कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, लेकिन जब वो किसी क्वार्टर्स में बुरे नतीजे रिपोर्ट करती है, मतलब अगर नतीजे अच्छे नहीं आते हैं, चाहे एग्जाम्पल के तौर पर आप यस बैंक को ही देख लीजिए, जैसे ही यस बैंक ने बहुत बड़ा घाटा रिपोर्ट किया 1500 करोड़ का, हम सब जानते हैं कि शेयर्स कहाँ से कहाँ पहुंचा, और एक के बाद एक चीजें होती चली गई उसमें भी। तो हमेशा कंपनी की बैलेंस शीट को आप देखते रहिए कैसे इसके नतीजे आ रहे हैं उसको भी आप एनालाइज करिए, और तो और उसमें क्या क्या अपडेट्स आ रही है, ठीक है, क्योंकि देखिए फंडामेंटली चाहे कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगी, लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, कोई केस निकल कर आ जाता है, कोई कंट्रोवर्सीज में अगर वो फंस जाता है, जैसे कि इंडिया बुल्स को आप देख लो, फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग कंपनी है वो, लेकिन एक के बाद एक गवर्नेंस को लेकर उनके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस होते रहे कि शेयर्स 1400 रुपये से टूटकर 200 रुपये तक गिर गया। तो हमेशा जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में, और किसी भी कंपनीज में अगर, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अब किसी भी कंपनीज में कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इश्यू आ रहे हैं तो उसी वक्त आप अपडेटेड रहिए और एग्जिट हो जाइए। जब नीचे चला जाएगा शेयर तब दोबारा खरीदारी कर लीजिएगा, जब वो इन सबसे बाहर आ जाए, शेयर और नीचे डीप हो जाए तब आप फिर से खरीदारी कर लीजिए। ये एक कंपनी के प्रति ये सोच करके नहीं यार,
ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ये सोचकर अगर आप इमोशंस में अगर बहेंगे तो याद रखिए शेयर्स में बड़ी से बड़ी गिरावट आती चली जाएगी और स्टॉप लॉस हमेशा कैरी करके चले। ऐसे वक्त में स्टॉप लॉस हमेशा ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि देखिए कंपनी में गिरावट जब आती है, जब भी किसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू किसी भी कंपनी के ऊपर लगते हैं, तो एक ही झटके में शेयर 20 से 30% तक टूट जाता है। और आपका इतना बड़ा नुकसान ना हो इसके लिए स्टॉप लॉस कैरी करके चलना चाहिए। और ऐसी जब चीजें सामने आती है तो बेटर मैं यही कहूंगा कि बेच कर एग्जिट कर जाइए, और जैसे ही चीजें सामान्य हो जाती है तब तक शेयर्स में और ज्यादा गिरावट डेफिनेटली आ जाती है, तो तब आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो ये एक चीज है। एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए किसी भी कंपनी में खरीदारी करते समय, कि इमोशंस में ज्यादा बहना नहीं चाहिए, ठीक है? ज्यादा इमोशन में बहना इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई कंपनी है जो आप ही के एरिया में है, ठीक है, आप जहां रहते हैं उसके आसपास ही है, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, उसमें काफी सारी फैसिलिटीज होती है, एम्प्लॉयज के लिए रहने के लिए घर होते हैं, कंपनी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल उसका पार्क रहता है, तो उसको देखकर इमोशनली उतना ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। हमेशा किसी भी कंपनी को आप अगर शेयर लेने के लिए सोचे तो फंडामेंटली हमेशा उसका देखना चाहिए, जैसे कि पी रेशियो हो गया, सबसे पहले अगर हम जाते हैं तो पी रेशियो है, उसके नतीजे कैसे आ रहे हैं हाल फिलहाल में, तो सबसे पहले नतीजे उसके कैसे आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके ऊपर कर्जा कितना है, कर्जा कितना है वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। म्यूचुअल फंड्स की, इंश्योरेंस कंपनी की, FIIs की, इवन प्रमोटर्स की कितनी होल्डिंग है उसके बारे में भी जानना जरूरी है, प्रमोटर की कितनी होल्डिंग गिरवी रखी हुई है वो भी जानना जरूरी है यहाँ पर। और हर क्वार्टर्स में देखिए डेटा आते रहते हैं आपके पास, आप मेरे चैनल को अगर फॉलो भी कर रहे हो तो काफी सारे वीडियोस में मैं पोस्ट करता हूँ जिसमें मैं काफी सारे जो स्टॉक्स होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ कि हर क्वार्टर्स में कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चेंज हो रही है, कि पहले कितनी होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड की अब कितनी हुई है, पहले FIIs की कितनी होल्डिंग थी अब कितनी है, पहले प्रमोटर्स की कितनी थी अब कितनी है, कितने शेयर्स गिरवी है, तो वो सब चीजें हर क्वार्टर्स में अपडेट होती है ये सब चीजें, तो उसके बारे में भी हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए तभी हमको पता चलेगा कि कंपनी में क्या क्या चीजें चल रही है, कंपनी में कौन कौन खरीदारी कर रहा है, कौन कौन बिकवाली कर रहा है, ठीक है? प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग गिरा रहे तो क्यों गिरा रहे हैं, ठीक है? म्यूचुअल फंड इसमें से निकल रहे तो क्यों निकल रहे हैं, ये सब चीजें हमें सोचना जरूरी है। फिर ये नहीं होता कि देखो प्रमोटर होल्डिंग गिरा रहे, म्यूचुअल फंड भी होल्डिंग बेच रहे हैं, शेयर्स नीचे धसा चला रहा है और आप सोचो कि अब ये मल्टी बैगर बन जाएगा, जी नहीं, उस वक्त हमें खुद सोचना पड़ेगा कि अब हमें इसमें क्या डिसीजन लेने चाहिए। तो ये हो गया। और एक और अपडेट, आप एक और चीज जो आपको याद रखनी चाहिए, अपना जो जो अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो छोटा रखिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा बड़ा मत कीजिए, क्योंकि देखिए कुछ स्टार्टिंग के कुछ महीने आप सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है? तो उसमें उस वक्त थोड़ा बहुत लॉसेस भी आपको झेलना पड़ सकता है, अगर आपने लॉन्ग रॉन्ग चॉइसेस की है तो थोड़ा बहुत आपको लॉसेस भी झेलना पड़ सकता है, तो छोटा इन्वेस्टमेंट रखिए तो काफी ज्यादा बेहतर होगा, आप काफी कुछ सीखेंगे उससे और आपको नुकसान भी ज्यादा नहीं होगा। और नए हो तो मैं हमेशा यही एडवाइस करूंगा कि पैनी स्टॉक से दूर आप दूर रहे अगर आप मार्केट में नए हो, ठीक है? आपको मार्केट के बारे में उतना ज्यादा पता नहीं है, आप नए हो तो पैनी स्टॉक से दूर रहो, ठीक है? यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें दिखाया जाएगा कि ये पैनी स्टॉक आप आने वाले दिनों में मल्टी बैगर बन जाएगा, ये वो वगैरह काफी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। लेकिन पैनी स्टॉक से मैं दूर रहने के लिए इसीलिए कहूंगा क्योंकि देखिए पैनी स्टॉक अगर आप देख भी लो, जो पैनी स्टॉक अगर आप देख भी रहे हो पिछले 1 2 साल 3 साल में, जो पैनी स्टॉक के ऊपर आपने अगर नजर रखी भी होगी तो आप सबको पता है कि उतना ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिलता नहीं है। उसके कंपैरिजन में कोई अच्छा सा लार्ज कैप अब स्टॉक आप उठा के देख लो तो उसमें आप देखोगे कि 50 60% 70 80% तक ग्रोथ मिल जाता है उसमें। तो ऐसे स्टॉक चुनो जो अपनी इंडस्ट्रीज के लीडिंग हो। जब आप मार्केट में नए हो, जब आप स्टॉक मार्केट में नए हो और जब आपका शुरुआती दौर हो तो आप हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करो, इंडस्ट्री के जो लीडिंग शेयर्स हैं आप उसी को चुनो जो अपने सेगमेंट में फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, ऐसे को आप ऐसे शेयर्स को अगर आप चुनोगे
तो आपका लॉस तो नहीं होगा, बल्कि आपका जो प्रॉफिट है वो 15 से 20-25% तक तो जरूर हो जाएगा। लेकिन दूसरी साइड, आप ज्यादा पैसे कमाने की लालच में कि ये पेनी स्टॉक आने वाले दिनों में इतना हो जाएगा, एक साल में आपको डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो ऐसा जनरली होता नहीं है, बहुत ही रेयर होता है। अगर आप 5 पेनी स्टॉक चूज करोगे तो हार्डली एक स्टॉक बढ़ेगा, और उतना ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा, जबकि उसके अगेंस्ट में जो और 4 स्टॉक है वो हो सकता है कि जितने पैनी थे उससे कई ज्यादा पैनी स्टॉक हो जाते हैं वो। तो बेटर यही है कि अच्छी क्वालिटी के शेयर्स चूज करें आप, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और उसमें आप जोड़ लीजिए कि अपने आपका जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो। एक ही सेक्टर के शेयर्स हमेशा मत खरीदिए। जैसे कि एक ही सेक्टर में, चलो बैंकिंग के ही खरीद लिए कि HDFC, ICICI, कोटक, यस बैंक, DHFL, ऐसा नहीं करो। हमेशा अलग अलग सेक्टर के शेयर्स खरीदो। कुछ शेयर्स IT सेक्टर से खरीदो, कुछ बैंकिंग सेक्टर से खरीदो, कुछ केमिकल सेक्टर से खरीदो, कुछ फार्मा सेक्टर से खरीदो, और छोटी छोटी क्वांटिटीज में खरीदिए। हमेशा शेयर अगर आप खरीद रहे हो तो छोटी छोटी क्वांटिटीज में खरीदिए, SIP मोड में खरीदारी कीजिए, ताकि अगर आपको थोड़ा बहुत भी लॉस हो जाता है तो एक चांस आपके पास रहे कि आप उसको एवरेजिंग कर सके, उसको एवरेजिंग आप कर सके। तो ये कोशिश के साथ आप इसमें खरीदारी करने की हमेशा कोशिश करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और तो और अगर हम बात करें मार्केट को लेकर, देखिए काफी सारा अपडेट्स मार्केट में निकल कर आ रहे हैं। जिस स्टॉक्स में कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी घोटाले में उनका नाम आ जाए या किसी भी तरीके से आ जाए उनका नाम और कंट्रोवर्सीज में आ जाए, तो मैं हमेशा यही सलाह दूंगा कि ऐसे शेयर्स से दूर ही रहा जाए। और जनरली ऐसे वही शेयर्स इन सब में देखने को मिलते हैं जो इंडस्ट्री लीडिंग नहीं होते, ठीक है, इंडस्ट्री लीडिंग नहीं होते, और लेकिन फिर भी काफी अच्छे स्टॉक्स भी इस लिस्ट में फंसते हुए हमें देखने को मिल चुके हैं। ऐसे स्टॉक्स कभी मत चूज कीजिए जिसका बिजनेस आप समझ ना सके, ठीक है, जिसका बिजनेस जो है वो आप समझ ही ना पाओ कि भैया किस बिजनेस इसमें है। और इसीलिए सबसे पहला, जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक खरीदने से पहले, जब आप नए हो, तो पहला आपका काम होना चाहिए कि आप अपने आप को मार्केट के लिए एजुकेट करें, अपने आप को एजुकेट करें, थोड़ा थोड़ा शेयर्स खरीदें। और एक साथ, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप 5 शेयर्स या 10 शेयर्स के ऊपर आप नजर रखे हुए हैं पिछले कुछ महीनों से, तो उसकी प्राइस, जैसे कि उसके प्राइस चार्ट को आप फॉलो कर रहे हैं, उसके जो फंडामेंटल्स है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसकी जो न्यूज है उसके रिगार्डिंग जो न्यूज आ रही है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो स्टिक रहे कि उन 10 जो शेयर्स हैं उसी में आपको खरीदारी करनी है, बिकवाली करनी है, खरीदारी करनी है, बिकवाली करनी है। ज्यादा बड़ी क्वांटिटीज में शेयर्स को लिस्ट करने की कोशिश ना करें। कुछ लोग होते हैं कि भैया एक साथ इसने 50 शेयर्स या 10 या फिर 100 शेयर्स जो होते हैं उसको एक साथ वॉच लिस्ट में डाल दिया। अब उसके बारे में देखिए, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको किसके बारे में करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। तो मैं यही कहूंगा कि आप कोई भी अपनी अच्छी रिसर्च करके 5 या 10 ऐसे शेयर्स चुने जिस पर आप डे टू डे वॉच रख सके, और उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसका जो प्राइस चार्ट है, उसका जो पैटर्न है उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसका फंडामेंटल्स है, उसके न्यूज है। एक वक्त ऐसा होगा कि आप उसके बारे में ये सीना ठोक के कह सकेंगे कि ये शेयर इस प्राइस से नीचे तो जा ही नहीं सकता, या फिर अगर ये यहाँ पर आ गया तो मैं खरीद लूंगा, और जैसे यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ेगा मैं इसको बेच दूंगा। तो ये चीजें यहाँ पर होती रहती है। एक ही शेयर्स में आपको कई बार खरीदने बेचने के मौके मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए शेयर हमेशा ऐसा नहीं होता कि ऊपर ही जाएगा, वो हमेशा जिगजैग में जाता है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, वो नीचे आएगा। तो आपके पास खरीदने के लिए और बेचने के लिए काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं हमेशा। तो ज्यादा बहुत ज्यादा स्टॉक्स को स्टडी करने की कोशिश ना करें। 10 या फिर 15 ऐसे स्टॉक चुने जो आपको लगता है कि मार्केट के लीडिंग है और आपको आने वाले दिनों में बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं, और उसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट भी हो रहा है। तो ऐसे शेयर्स को आप चूज कीजिए और उसी में आप अपना खेल खेलिए, तो डेफिनेटली आपको हमेशा काफी अच्छा फायदा जरूर होगा। और अगेन कह रहा हूं, हमेशा आप यूट्यूब में भी कहीं वीडियो देख रहे हो या फिर आप किसी से एडवाइस भी ले रहे हो, ठीक है, वो सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए रखिए। एट द एंड
कोई भी शेयर्स अगर आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, वो आप अपनी खुद की एक रिसर्च करके ही उसको खरीदे या उसको बेचे, ठीक है। एट द एंड आपको भी इसके साथ सीखना रहता है, आपको भी इसके साथ जुड़ना रहता है। तो मैं यही कहूंगा कि हमेशा जो भी स्टॉक आप खरीद रहे हो उसके बारे में खुद से रिसर्च करिए और तभी उसको खरीदिए। किसी के कहने पर या किसी के बारे में बताने पर कोई भी स्टॉक्स को खरीदारी बिकवाली ऐसे ही आंख बंद के मत कीजिए। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में आपको इस वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी एक कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।